तो अभी क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व करना। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 110 एंड 128 लिविंग अ रिमाइंडर टू इन ईच केस। तो हमें करना क्या है इसमें, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर जो है फाइंड करना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करो जो इसको डिवाइड करता है दोनों को भी, और डिवाइड करने के बाद टू रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो कैसे करना है इसको, तो पहले यहाँ पे बताया ना टू रिमाइंडर है, तो पहले से दोनों में से टू माइनस कर देना। ठीक है, मतलब पहले करना 110 माइनस 2 कितना आता 108, और दूसरा करना 128 माइनस 2, ये है ना नंबर, दूसरा कितना आता 126। अब इन दोनों का क्या करना, एलसीएम निकालना। ठीक है, तो आपने पहले क्वेश्चन लिखना ये वाला, और फिर आंसर शुरू करना यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ पे करेंगे इसका एलसीएम सॉल्व। ओके, तो पहले 108, फिर लेंगे 126, निकाल के इसका एलसीएम क्या होता। तो पहले 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, इसको डिवाइड किया तो 54 आएगा, इसको डिवाइड किया तो 63 आएगा। ओके, 254 था 108 था, और 263 था 127 था। ओके, उसके बाद इसको डिवाइड करना है, 2 से तो नहीं होता, इसको होगा लेकिन इसको नहीं होता, नंबर वही लेना जिससे दोनों को होता है डिवाइड, तो 3 से, तो इसको किया तो आता 18, इसको डिवाइड किया तो 18 जितना कितना था 54। ठीक है, इसलिए 18 लिखा, और इसको डिवाइड किया तो कितना आता 21। वापस और डिवाइड करेंगे इसको 3 से, तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 7, इसके आगे डिवाइड होता नहीं, इसको होता लेकिन इसको नहीं होता, 6 को होता डिवाइड लेकिन 7 को नहीं होता। तो हमें दो ये नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर चाहिए। अब ऐसा नंबर ही नहीं, 1 को छोड़ के 1 प्राइम नंबर नहीं, इसलिए लिखा नहीं यहाँ पे। तो बस इतना ही सॉल्व करना है। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, तो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या आएगा इसका, एचसीएफ इसका मल्टीप्लाई करना, क्या होता है इसका मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आता मल्टीप्लाई 18, 18 होगा इसका एचसीएफ, बस यही अपना आंसर है। हमें ये फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर, तो देयरफॉर ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या मिला हमें, इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। ओके, इसका 3 का।